जीत नहीं पचा सकी बांग्लादेशी टीम, भारतीय खिलाड़ियों के साथ की धक्का मुक्की। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम ने रविवार को भारत को पराजित कर वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया, लेकिन पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों ने जोश में होश खो दिया। वे भारत के खिलाड़ियों से भिड़ गए। मैदान में फील्डिंग के दौरान कई बार आक्रामकता दिखा चुके खिलाड़ी यही नहीं रुके, सारी हदें पार करते हुए वे भारतीय खिलाड़ियों के पास पहुंचे और उनसे गाली गलौज की। इस दृश्य के बाद दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस घटना के बाद बांग्लादेशी टीम के कप्तान ने माफी मांगी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में जीत को सपना पूरा होना बताते हुए बांग्लादेश के कप्तान अकबर अली ने अपने टीम के खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित आक्रामकता पर अफसोस जताते हुए कहा, जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। आज के मैच के दौरान अपने तेज गेंदबाज शोरीफुल इस्लाम के लिए क्षेत्र रक्षण करते हुए बांग्लादेश के खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही आक्रामकता दिखा रहे थे और हर गेंद के बाद भारतीय बल्लेबाज को कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहे थे। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जीत के करीब पहुंचने के बाद भी इस्लाम को कैमरे के सामने टिप्पणी करते देखे गए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्र से कई अधिक परिपक्वता दिखाते हुए बांग्लादेशी कप्तान अकबर ने कहा कि हमारे कुछ गेंदबाज भावावेश में थे और ज्यादा उत्साहित हो गए थे। मैच के बाद जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं भारत को बधाई देना चाहूंगा। अकबर ने कहा कि यह सपना पूरा होने जैसा है, हमने पिछले 2 साल में बहुत मेहनत की है और उसी का नतीजा है। फ्रेंड्स, आपका बांग्लादेश की टीम और भारतीय टीम के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।